Hi, my name is Sanam Johar and you're watching National Reporter. पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन रोबीना मैम को, आप कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, टेलीविजन की टॉप एक्ट्रेस, नंबर वन एक्ट्रेस के साथ काम करना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जैसे मुझे लग रहा था कि शी इज़ लाइक एट द टॉप राइट नाउ एंड शी इज़ द बिगेस्ट राइट नाउ, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि हाउ विल शी बिहेव इन एवरीथिंग, बट शी इज़ वेरी हम्बल, बहुत स्वीट है, प्रोफेशनल डांसर नहीं है बट शी हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेस. So I'm looking forward to this season क्योंकि I feel blessed that first of all की झलक season 10 वापस आया and then on top of that I'm paired with Rubina ji. So pressure भी है but I think more excited about the season. So yeah. Okay, क्या क्या form आप सिखा रहे हैं Rubina मैम? Rubina मैम मतलब अगर नहीं भी आता तो वो कर लेती है अच्छे अच्छे form, तो आप क्या सिखा रहे हैं मतलब उनके लिए? हमने सबने देखा है कि बिग बॉस में वो कैसी हैं, कैसी थी, क्या क्या किया उन्होंने, खतरों के खिलाड़ी में कैसे कैसे स्टंट्स किए. सो आई थिंक इस सीज़न में भी उनको मैं प्रोफेशनल डांसर बना के तो छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा. शी विल नो एवरी स्टाइल, मैं उनको सारे स्टाइल सिखा रहा हूँ, उनकी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा हूँ, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहा हूँ, उनकी यू नो कॉन्फिडेंस पे काम कर रहा हूँ. कॉन्फिडेंस पे एक्चुअली मुझे काम करने की जरूरत पड़ नहीं रही बिकॉज शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट, एंड यू नो वो हार नहीं मानते, वी ऑल वी हैव सीन दैट. तो या कभी डिफरेंसेस होते हैं कि मतलब मैम बोलेगी ऐसा मुझे करना है, आप बोलेगी ऐसा करूँ, तो डिफरेंसेस हो रहे हैं? अभी तक तो नहीं है, टच वुड अभी नहीं हुआ, बट येस शी कम्स विद हर ओन एक्सपीरियंस, तो मैं सुनूंगा उनकी बातें और जो सही लगेंगी मुझे सही मायने पे ऑब्वियसली आई विल वर्क ऑन दैट एंड ऑब्वियसली आई विल यूज हर इनपुट्स आल्सो. बट या लेट्स सी, डिफरेंसेस अभी तक तो नहीं हुए, सो फार सो गुड, टच वुड अगर हुए तो. नहीं, डिफरेंस होना भी चाहिए क्योंकि अगर डिफरेंसेस नहीं होगा तो कैसे चलेगा? बट अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ है, लेट्स सी, अभी तक तो डिफरेंसेस नहीं है. ओके, कई सारे यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है कलर्स में, और मतलब टफ टफ कॉम्पिटिटर, आपको कौन लगता है ये सेलिब्रिटी कॉम्पिटिटर है? अमृता कॉम्पिटिटर्स है, शिल्पा मैम भी विनर है, रूबीना भी विनर है, धीरज टॉप एक्टर है, तो आप मतलब खुद सी टेक्निकली देखा जाए तो कॉम्पिटिशन उनका, उन लोगों का खुद के साथ ही है क्योंकि उनको कोई भी ऐसा प्रोफेशनल डांसर नहीं है तीन चार लोगों को छोड़कर. देयर आर लाइक नो अदर प्रोफेशनल डांसर्स, लाइक इफ यू टॉक अबाउट अमृता मैम, इफ यू टॉक अबाउट कश्मीर, इफ यू टॉक अबाउट द लिटिल किड कुंजल, सो नो दे आर लाइक ऑलरेडी देव डन अ रियलिटी शो, दे हैव, बट ऑब्वियसली ये नहीं है कि इट वॉन्ट टेक इट अवे फ्रॉम देम कि उनकी मेहनत कम जाएगी, मेहनत तो जाएगी जाएगी, बट या आई थिंक कॉम्पिटिशन, अभी कॉम्पिटिशन के बारे में सोचिए, आई थिंक चौथे या पांचवें हफ्ते बारे में थोड़ा कोई कुछ टिप दिया कि जैसे कि खतरों की खिलाड़ी भी जीत चुकी है रूबीना मैम ने, तो आपको कुछ टिप दिया कि हाँ मुझे ये भी जीतना है, कुछ टिप दिया है? सी अगर वो बोले ना बोले, मैं तो उसी थॉट प्रोसेस से एनी रियलिटी शो आई डू कि जीतना ही है, अगर नहीं जीत रहे तो फिर देन वाई यू अ पार्ट ऑफ इट. ओके, करण सर है, नौरा है और माधुरी जी है, तो किसको आप सबसे ज़्यादा मतलब अपने डांस से रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? आई वुड सी करण सर के साथ पहले मैंने के सामने डांस किया है, देन नौरा के सामने डांस किया है, माधुरी मैम के सामने भी किया है उसको, लेकिन बहुत साल हो गए. आई वुड रियली वुड वांट उनके मुंह से परफेक्ट सुनने के लिए. आई वुड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स सो दैट यू नो दैट शी प्रेजेस रूबीना, दैट विल बी माय यू नो अचीवमेंट. ओके, आखिर में फैंस से क्या कहना चाहे रूबीना के लिए, मतलब ट्रॉफी घर ही आनी चाहिए, तो क्या क्या मतलब टू ऑल द फैंस जिन्होंने अभी तक प्यार दिया है मुझे, एंड ऑब्वियसली जो उनके फैन बेस है रूबीना जी का, वो आप भी स्टार बन जाइए अभी देख लीजिए. सो आई वुड जस्ट यू नो वांट कि आप लोग वोटों में कमी ना रखें, हम मेहनत में कमी नहीं रखेंगे, वोट तो आ ही जाएंगे, हम एंटरटेन पूरा करेंगे, वी विल जस्टिफाई द अमाउंट ऑफ वोट्स विल कम. So please keep watching झलक दिखला रहे सीजन 10 and please love us.